हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक पुरानी डिब्बी से ब्लूटूथ ईयरफोन। इसको बनाने के लिए गाइज मैंने यहाँ पे एक पुरानी खाली डिब्बी ली है, और इस तरह की डिब्बी गाइज आपके घर के अंदर आसानी से मिल जाएगी। तो गाइज, और इसके अंदर मैंने एक यहाँ पे एक मोबाइल का बैटरी का यूज़ किया है, और इस बैटरी का जो MAH है 800 mAh है, जिससे आपका बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाला है। तो इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे TP4056 मॉड्यूल का यूज़ किया है। इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्विच का भी यूज़ किया है। इन दोनों कंपोनेंट्स को लगाने के लिए गाइस आपको डिब्बे के ऊपर मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैंने कटिंग कर लिया है। तो गाइस अभी क्या करना है कि आपको चार्जिंग मॉड्यूल लेना है, और इसको एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिक्स करने के बाद ग्लू गन या फिर फेविक्विक की हेल्प से आपको एकदम बढ़िया तरीके से चिपका देना है इसको, जिससे ये अपनी जगह से हिले नहीं। इसी तरह से आपको स्विच को भी फिक्स करके लगा देना है। फिक्स करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि अभी इनके आपको कनेक्शन करने होंगे। तो पहले मैं कनेक्शन करता हूँ, बाद के अंदर आपको बता देता हूँ मैं कि किस तरह से मैंने कनेक्शन किए हैं। गाइस तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव वाले को चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव पे, और नेगेटिव वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के नेगेटिव पे कनेक्ट किया, और चार्जिंग मॉड्यूल के एक वायर को मैंने स्विच के साथ और दूसरे आउटपुट के दो वायर रख लिया मैंने, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया है, ये आपको लोकल मार्केट के अंदर 40 से 50 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके भी गाइस कनेक्शन कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे आपको अभी ईयरफोन के वायर्स लगाने होंगे, तो यहाँ पे राइट, ग्राउंड और लेफ्ट का, ठीक है, तीनों वायर्स लग जाएंगे। तो गाइस अभी आपको ईयरफोन के आगे वाले स्पीकर लेने हैं, और ये स्पीकर आपको घर के अंदर काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग इनको पुराने ख़राब ईयरफोन से निकाल सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कर देना, और गाइस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको बनाने में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद गाइस आपको दोनों स्पीकर्स की एक एक वायर को कॉमन कर लेना है, ठीक है। और कॉमन वाला जो की है ये गाइस आपको ग्राउंड पे लगाना है, और बाकी दोनों लेफ्ट और राइट स्पीकर पे लगा लेने हैं आपको। तो गाइस इसी तरह से आपको बैटरी के भी कनेक्शन कर लेने हैं। तो गाइस कनेक्शन करने के बाद आपको इसके अंदर वायर्स के ऊपर ग्लू गन लगाना है, और अच्छे तरीके से फिक्स करके ऊपर वाले ढक्कन को लगा देना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक PVC शीट का पीस कट किया है, और इसको कुछ इस टाइप की शेप में दिया है, जिससे ये हमारी कॉलर पे लग जाए। इसको गाइस आपको इसके नीचे लगाना, और फेविक्विक की हेल्प से एकदम बढ़िया तरीके से चिपका लेना मजबूती से, जिससे ये हमारा कॉलर के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से लग जाएगा। तो गाइस अभी हमारा ईयरफोन बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। तो इसको आप किसी भी नॉर्मल मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर चार्ज लगने पर एक रेड कलर का इंडिकेटर शो होता है, और फुल चार्ज होने पे गाइस ये ब्लू कलर का जलने लगेगा।
सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, और गाइज अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।